हेलो दोस्तों, मैं मुसलमान। हमारे यस कैन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे बीडी भाई हमारे ऐसे हैं जो कि डीजी पे नहीं चला पा रहे हैं, उनका डीजी पे नहीं चल पा रहा है, तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे उनकी सहायता होगी और आसानी से अपना डीजी पे चला पाए। दोस्तों, मैं बताने से पहले एक बार आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, एक से डेढ़ वाले सब्सक्राइब बटन पर दबा दें। इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे, हमको बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे मेरे हर वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको डीजी पे में क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही होगा। जैसे कि देखिए, आप डीजी पे मैं यहाँ पे रखा हूँ, डीजी पे को जब खोलते हैं, रन एंड ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर पे करते हैं, हमारे सामने एक एरर मैसेज आ जाता है जिससे हमारे डीजी पे नहीं खुल पाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अनेबल टू ट्रैक है, प्लीज ट्राई विथ वैलिड इनपुट, नहीं खुल पा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डीजी पे का अपडेट फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए, मैं अपडेट फाइल डाउनलोड करके रख चुका हूं यहां पे, और जो भी आपको अपडेट फाइल डाउनलोड अगर जीप फाइल में होगा, इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा इसको। एक्सपोर्ट करके यहाँ पे रख चुका हूँ दोस्तों, देख लीजिए। अब इस फाइल को जो है आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद आप कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाइएगा। सी ड्राइव में आप जब खुलेगा सीएससी गवर्नमेंट्स की फाइल, तो यहाँ पे डीजीपी की फाइल मिलेगी, इस डीजीपी की फाइल को खोल के आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल वी के माध्यम से आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा। कॉपी एंड रिप्लेसमेंट करना है, सबसे पहले आप टिक लगाइए यहाँ पे, डू नॉट दिस नेक्स्ट फाइव, अगले पांचों के लिए ताकि ये ना मांगे, इसके लिए टिक लगा देते हैं और यहाँ पे कॉपी एंड रिप्लेस कर देते हैं। हो गया, इसको करने के बाद अब हम डीजी पे खोलते आपको दिखाते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। कभी भी आप डीजी पे खोलिए तो डन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे करके खोलिए, इंस्टॉल करते समय या पहली बार खोलते समय। अब देखिए दोस्तों, मेरे इस सिस्टम में डिवाइस आरडी सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं खुल पा रहा है, लेकिन अगर आप में आरडी सिस्टम होगा तो जरूर खुल जाएगा। अगर आपकी आरडी सिस्टम में आपको समस्या आ रही है इंस्टॉल करने में, तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आरडी सिस्टम के लिए भी वीडियो बना दूंगा, इससे आपको आसानी होगी। दोस्तों, हमें लगा होगा कि मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और शेयर भी करिएगा। जो भी आपको समस्या है इस वीडियो में या आपने डीजी पे चालू करने में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।